देश को आजाद हुए 11 महीने हो चुके हैं, लेकिन फरीदकोट रियासत में अभी भी रजवाड़े राज कर रहे हैं। ऐसे में एक नौजवान जो प्रजा मंडल चलाता था, कांग्रेस की नीतियां मानता था, वो सरकार से नाराज हुआ। उसने सत्याग्रह शुरू कर दिया और बदले में राजा ने उसको गिरफ्तार कर लिया। जुर्माना तो लगाया ही, जेलर से कहा कि इसको हाथ पैर बांध दो, इसकी पगड़ी खोल दो और इसके बालों को जीप से बांध के पूरी सड़कों पर घुमाओ। वक्त रहते नेहरू ने दखल दिया, उस नौजवान को छुड़वाया। वक्त रहते नेहरू और पटेल ने दखल दिया और उस रियासत को भारत में मिलाया। रियासत थी फरीदकोट, नौजवान ज्ञानी जैल सिंह, जो बाद में नेहरू के आशीर्वाद से कभी दिल्ली तो कभी पंजाब की राजनीति करता रहा और 25 जुलाई 1982 को इंदिरा गांधी के आशीर्वाद से देश का 7वां राष्ट्रपति बना। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी। ये है dlallantop.com के पॉलिटिकल किस्सों की खास सीरीज महामहिम। ज्ञानी जैल सिंह कभी पंजाब के मुख्यमंत्री रहे थे, कभी क्या 1972 से 77 के बीच संजय गांधी के आशीर्वाद से। 1980 में होशियारपुर से सांसद चुने गए और देश के गृह मंत्री बन गए, पर पंजाब नहीं छूटा। ऐसे में जब जून 1980 में जैल सिंह के धुर विरोधी दरबारा सिंह को पंजाब का मुख्यमंत्री बना दिया इंदिरा गांधी ने, तो जैल सिंह तिलमिला के रह गए। जनवरी से जून तक प्रॉक्सी के जरिए, अधिकारियों के जरिए वही तो अपना सूबा चला रहे थे देश का गृह मंत्रालय देखने के अलावा। दरबारा सिंह और जैल सिंह की ये दुश्मनी, राजनीतिक अदावत, देश और खासतौर पर उनके सूबे पंजाब को भारी पड़ने वाली थी। दरबारा सिंह नो नॉनसेंस वाले व्यक्ति थे, धार्मिक प्रतीकों में और उस तरह की राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखते थे। जैल सिंह की पूरी राजनीति इसी के इर्द गिर्द विकसित हुई थी। जैल सिंह जो 77 के चुनाव के बाद विपक्ष में थे, चुनाव हार चुके थे, संजय गांधी के कहने पर भिंडरावाले को आगे लेकर आए। उन्हें लगा कि अकालियों की धार्मिक राजनीति की काट यही साबित हो सकता है। बाद में जिसे उन्होंने वरदान समझा था, वो अभिशाप साबित हुआ। भिंडरावाले की गतिविधियां बढ़ती गईं और आखिरी में 5 जून 1984 में इंदिरा गांधी को सेना को ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए हुक्म देना पड़ा। जैल सिंह को इस ऑपरेशन का कतई अंदाजा नहीं था। जैल सिंह को अंदाजा था तो इस बात का कि दरबारा सिंह और संत लोंगोवाल, जो समय अकाली दल के अध्यक्ष थे, उनके बीच सुलह लगभग हो गई थी। राजनीतिक विरोधी कहते हैं जैल सिंह ने एक बार फिर से अड़ंगा लगा दिया और सुलह नहीं हो पाई। इंदिरा जब हर मोर्चे पर फेल रही, तब मजबूरी में उन्हें फौज को भेजना पड़ा। फौज भीतर गई, जैल सिंह के पास फोन आया और सुबह सवेरे उन्होंने सरकार से कहा कि इस खबर को कन्फर्म करिए। ये कन्फर्मेशन इसलिए भी जरूरी था क्योंकि सांकेतिक तौर पर ही सही, सेना का सर्वोच्च कमांडर देश का राष्ट्रपति होता है। देश के राष्ट्रपति को नहीं पता था कि सेना उनके संप्रदाय, सिख संप्रदाय के सबसे पवित्र स्थल पर एक सैन्य कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई के 2 दिन के बाद राजीव गांधी के करीबी सहयोगी अरुण सिंह ज्ञानी जैल सिंह से मिले और बोले कि सैन्य कार्रवाई में अकाल तख्त या हरमंदिर साहब के मुख्य गुंबद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इंदिरा गांधी ने फोन करके कहा कि आपको वहां जाना चाहिए। राष्ट्रपति का विमान उपलब्ध नहीं था, ऐसे में इंदिरा ने दूसरा विमान मुहैया कराया। ज्ञानी जैल सिंह वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि अरुण सिंह के दावे गलत हैं। अकाल तख्त बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ था और हरमंदिर साहब के गुंबद पर भी गोलियों के निशान थे। फौज को यह सब मजबूरी में करना पड़ा क्योंकि अंदर भिंडरावाले और फौज से बर्खास्त किए गए मेजर जनरल साहबेग सिंह के चलते कड़ी मोर्चेबंदी की गई थी। पाकिस्तान से हथियार लाए गए थे और ऐसे में सेना ने, जिसने सोचा था कि वो एक रात में ऑपरेशन खत्म कर देगी, मजबूरी में अपनी कैजुअल्टीज को बचाने के लिए टैंकों का सहारा लिया ताकि आतंकवाद को खत्म किया जा सके। ज्ञानी जैल सिंह जब दरबार साहब पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ गोलियों के निशान ही नहीं देखे, गोलियों की आवाज भी सुनी। जैल सिंह के काफिले के ऊपर फायरिंग हुई, अभी भी कुछ आतंकवादी छिपे हुए थे, लेकिन जैल सिंह का जोर था कि मुझे इसी वक्त दर्शन करने जाना है। पास के एक सैन्य अधिकारी के कंधे पर गोली लगी, एक दूसरी गोली दूर छिटक कर गिरी, लेकिन जैल सिंह रुके नहीं, परिक्रमापूरी की, उन्होंने देखा, वहां पर स्पीच दी और वापस आ गए। लेकिन सिख संप्रदाय के जो धार्मिक गुरु थे, वो ज्ञानी जैल सिंह को माफ करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने उन्हें तनखैया घोषित कर दिया। तनखैया यानी कि एक किस्म की धार्मिक सजा, जिसके बाद समाज के बीच आपका बहिष्कार हो जाता है। इल्जाम क्या लगाए गए कि जब ज्ञानी जैल सिंह हरमंदिर साहब के अंदर गए तो उनके सर पर छतरी थी, जबकि किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरह का छाता नहीं ताना जा सकता धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक मंदिर परिसर के अंदर। उन पर जूते पहनकर जाने का भी इल्जाम लगा। ज्ञानी जैल सिंह ने एक लिखित सफाई पेश की और कहा कि आपने जो तस्वीरें देखी, जिनके आधार पर यह निष्कर्ष निकाले, वो हरमंदिर साहब की वीडियो फुटेज नहीं है, एक दूसरी जगह थी जहां पर आतंकवादियों से बरामद हथियार रखे गए थे। जब मैं वहां के इंस्पेक्शन के लिए गया था, तब ये वीडियो फिल्म
उतारी गई थी। ज्ञानी जैल सिंह प्रकट तौर पर तो खत लिखकर अपनी सफाई दे रहे थे। अंदर खाने SGPC के उस वक्त के मुखिया गुरचरण सिंह तोहड़ा, अकाली दल के प्रमुख हरचंद सिंह लोंगोवाल, पूर्व मुख्यमंत्री और अकाली नेता प्रकाश सिंह बादल से बात कर रहे थे ताकि उनके ऊपर तामील की गई ये धार्मिक सजा खत्म की जा सके। पंथक राजनीति करने वालों को भी समझ में आया कि ये इकलौता खैरख्वाह जो रायसीना हिल्स में बैठा हुआ है, अगर ये भी उनसे मुंह मोड़ लेगा तो उनके लिए सभी राजनीतिक वार्तालाप के दरवाजे बंद हो जाएंगे। ऐसे में तमाम नानुकुर के बाद ज्ञानी जैल सिंह के ऊपर से तनखैया की तोहमत हटा ली गई। 31 अक्टूबर 1984 सुबह 9:12 देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का उनके ही सुरक्षा गार्डों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। यमन के दौरे पर गए देश के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को खबर की जाती है देश में हुए इस हादसे के बारे में। सारी मीटिंग कैंसिल, वो वापस प्लेन पर सवार होते हैं देश आने के लिए और रास्ते में सोचते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान के बारे में। ये प्रावधान जिसका जिक्र सेक्शन 1 आर्टिकल 75 में किया गया है, जिसके तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ज्ञानी जैल सिंह हमेशा संविधान की एक प्रति अपने साथ रखते थे। रास्ते में ही उन्होंने तय कर लिया कि किसी भी किस्म की वैकल्पिक व्यवस्था करना ठीक नहीं होगा, जरूरी है कि एक स्थायी सरकार दी जाए, जरूरी है कि इंदिरा गांधी के राजनीतिक वारिस राजीव गांधी को देश के प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई जाए। जब जैल सिंह एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां उनका इंतजार कर रहे थे अरुण नेहरू, राजीव गांधी के करीबी, उनके परिवार के सदस्य। उन्होंने कहा कि आप राष्ट्रपति भवन चलिए। जैल सिंह बोले, नहीं, पहले मैं एम्स जाना चाहूंगा जहां पर इंदिरा गांधी का शव रखा था। वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने देखा वहां पर कई नेताओं का जमावड़ा था और उसके बाद उन्होंने राजीव गांधी को राष्ट्रपति भवन पहुंचने का निर्देश दिया। कई राजनीतिक प्रेक्षक कहते हैं कि राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला अरुण नेहरू का था। कोई पी एन हक्सर का जिक्र करता है, कोई पीसी अलेक्जेंडर का जिक्र करता है, कोई कहता है कि प्रणब मुखर्जी को बनने की हड़बड़ी थी, कोई नरसिम्हा राव की तत्परता बताता है, लेकिन जैल सिंह कहते हैं कि राजीव को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाने का फैसला सिर्फ और सिर्फ उनका था। शाम को राजीव राष्ट्रपति भवन पहुंचे। शपथ दिलाने से पहले ये जरूरी था कि देश को बताया जाए कि इंदिरा गांधी अब नहीं रही। हालांकि BBC की वजह से ज्यादातर देशवासियों को ये बात पता चल गई थी, इसके बावजूद उस वक्त के उपराष्ट्रपति R. Venkatraman को यह निर्देश दिया गया कि वो रेडियो के जरिए संदेश प्रसारित करें और उसके कुछ देर बाद राजीव गांधी को शपथ दिला दी गई। अगले 5 रोज तक राजीव गांधी व्यस्त रहे। विदेश से कई मेहमान आए थे इंदिरा गांधी की शव यात्रा में शामिल होने के लिए या अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए और देश जलता रहा सिख विरोधी दंगों के चलते। इस दौरान जैल सिंह ऑपरेशन ब्लू स्टार से भी ज्यादा बेबसी महसूस कर रहे थे। वो लगातार फोन कर रहे थे, उनके पास लगातार फोन आ रहे थे, इस आबादी में सिखों पर हमला हुआ, उस आबादी में सिखों का कत्ल किया जा रहा है, और वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। 4 रोज के मौत के तांडव के बाद आखिर राजीव गांधी ने फौज बुलाई और बलवाइयों को शांत किया। लेकिन एक दंगा राजीव गांधी और ज्ञानी जैल सिंह के बीच भी उसी दिन शुरू हो गया, जिसमें दोनों के बीच अविश्वास कायम हो गया जो 1987 में जैल सिंह के कार्यकाल पूरा करने तक लगातार बढ़ता रहा। हालात ये हो गए कि राजीव गांधी जरूरी संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करने से भी कतराने लगे। अमूमन प्रधानमंत्री लगातार राष्ट्रपति को ब्रीफिंग देता है कैबिनेट के अहम फैसलों की, अपने विदेशी दौरों की। राजीव ने कुछ ही महीनों के अंदर ये राजनीतिक शिष्टाचार बंद कर दिया। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, ये नई सरकार है, इसने कई परंपराएं तोड़ी हैं, इसको भी उसी में गिन लीजिए। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति भवन में बैठे भुनभुना कर रह गए। उनके पास सिर्फ प्रतीकात्मक संवैधानिक शक्तियां थीं और कुछ भी नहीं। हद तो तब हो गई जब कांग्रेस के सांसद KK तिवारी ने लोकसभा में बहस के दौरान राष्ट्रपति भवन को आतंकवादियों का अड्डा बता दिया। इस बार ज्ञानी जैल सिंह माफ करने के मूड में नहीं थे। उन्होंने राजीव को अपने सारे राजनीतिक असहमतियां किनारे रखकर विवश कर दिया कि वो KK तिवारी के खिलाफ कार्रवाई करें। हालांकि राजीव की भी राजनीतिक ढिठाई थी और 1 बरस के भीतर KK तिवारी को उन्होंने पुनः राजनीतिक पुरस्कार दिया। उधर राष्ट्रपति भवन राजीव से नाराज खेमा लगातार पहुंच रहा था। इसमें विपक्षी दलों के नेता भी थे और वो नेता भी जो कांग्रेस छोड़ रहे थे। इसमें अरुण नेहरू भी थे, वही अरुण नेहरू जो जैल सिंह को एयरपोर्ट से एम्स लाते वक्त कह रहे थे कि राजीव को जल्दी से जल्दी शपथ दिलानी होगी। अब वो राजीव के विरोधी खेमे में थे। बार बार अखबारों में ये खबरें आ रही थी कि नाराज राष्ट्रपति राजीव गांधी को बर्खास्त कर सकते हैं और विपक्ष के किसी नेता को
अगली कार्रवाई तक प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। राजीव भी इस बारे में संविधान वेत्ताओं से परामर्श कर रहे थे। वो ये संभावनाएं टटोल रहे थे कि क्या राष्ट्रपति के खिलाफ सरकार के काम में बाधा डालने के इल्जाम के चलते महाभियोग चलाया जा सकता है। सबकी सुई एक बिल पर अटक गई थी, बिल जिसका नाम था पोस्टल बिल, बिल जिसका पहला मसौदा 1981 में जब पेश किया गया था तब देश के गृह मंत्री थे जैल सिंह। अगर पोस्टल बिल पास हो जाता तो सरकार को यह इजाजत होती कि वो किसी के भी पर्सनल कम्युनिकेशन को चेक कर सकता है। जैल सिंह ने इसका विरोध किया और इसके लिए उन्होंने एक संवैधानिक लूपहोल का सहारा लिया। संविधान ये तो कहता है कि कैबिनेट कोई बिल भेजे तो राष्ट्रपति अपनी टिप्पणी के साथ, अपनी स्वीकृति के साथ कुछ सवाल चाहे तो पूछ सकता है, उसको लौटाए, लेकिन इसकी मियाद तय नहीं की गई और इसलिए जैल सिंह राजीव गांधी को सबक सिखाने के उद्देश्य से, वही राजीव गांधी जिनको वो बार बार कहते रहते थे आप मिलिए, मैं विदेश यात्रा से आया हूँ, मेरे अनुभव जानिए, आप यात्राओं से आए हैं अपनी चीज़ें बताइए, राजीव इनकार करते रहते थे, बार बार एक ही जवाब होता था, आई लुक इन टू दिस। जैल सिंह ने देखना शुरू किया और इस बिल पर बैठ गए। अब राजीव गांधी के पास कोई विकल्प नहीं बचा। कई लोगों ने बीच बचाव किया, खरामा खरामा जैल सिंह का कार्यकाल पूरा हुआ 1987 में। और जब जैल सिंह ने राजीव से कहा कि मैं दूसरी बार राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता हूं, तो राजीव ने राहत की सांस ली। कुछ ही महीने पहले पार्टी के बुजुर्गों के समझाने पर वो वापस राष्ट्रपति भवन जाना शुरू कर पाए थे और उनको तभी ये खबरें भी मिलने लगी थी कि विपक्षी दल जैल सिंह से संपर्क कर रहे हैं और हो सकता है कि ज्ञानी जैल सिंह इस बार विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति के चुनाव में मैदान में हों। लेकिन जैल सिंह राजनीति के पुराने माहिर थे, उनको पता था कि विपक्ष के दल अच्छे जुमले तो उछाल सकते हैं लेकिन उनके पास संख्या बल नहीं है और ऐसे में उन्होंने रिटायर होना मुफीद समझा। आप जैल सिंह को कई प्रसंगों में याद कर सकते हैं। मुझे आखिर में जो प्रसंग याद आ रहा है वो उनकी पाकिस्तान के तानाशाह जनरल जियाउल हक से मुलाकात का वाकया है। जियाउल हक जमहूरियत को ठोकर मारकर एक लोकप्रिय नेता भुट्टो को फांसी देकर सत्ता पर काबिज हो गए थे। 1987 में वो देश में आए और जैल सिंह से तंज करते हुए बोले कि अब तो मैं भी आपकी तरह कमजोर राष्ट्रपति हो गया हूँ, हमारे यहाँ भी प्रधानमंत्री आ गया है। दरअसल 1985 में ही जियाउल हक ने लोकतंत्र का तमाशा बनाते हुए अपने एक पिट्ठू को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना दिया था, जुनेजो नाम का एक नेता। जैल सिंह ने इस तंज का जवाब दिया, उन्होंने कहा जनरल साहब आपके यहाँ शासन करने की कोई मियाद नहीं होती है, हमारे यहाँ असली लोकतंत्र है, 5 बरस के बाद सबको कुर्सी छोड़नी पड़ती है और जनता के बीच जाना पड़ता है। ये सबक सबसे ज़्यादा अहम है जो आखिरकार राजीव गांधी को भी समझ में आया और जैल सिंह को। इसलिए जब देश को लग रहा था कि यह सबसे बड़ा संवैधानिक टकराव हो सकता है, राष्ट्रपति एक साजिश का केंद्र, प्रधानमंत्री दूसरी साजिश का केंद्र, और जिन दो लोगों को देश की दो निगाहों की तरह एक समन्वय के साथ काम करना चाहिए वही आपस में आंखें तरे रहे थे, लेकिन आखिरी में जो अंग्रेजी में कहते हैं बेटर सेंस प्रिवेल्ड, ज्ञानी जैल सिंह कुछ कदम पीछे हटे, राजीव कुछ कदम पीछे हटे और ये संकट टल गया। ज्ञानी जैल सिंह एक मस्खरे राजनेता की छवि वाला नेता जो देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचा और जिसके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा भूचाल लाने वाली राजनीतिक घटनाएं हुईं। कुछ और राजनीतिक घटनाओं की तलाश में, अगले महामहिम की तलाश में दी लल्लन टॉप का पॉलिटिकल किस्सों का कारवा आगे बढ़ेगा। अगली कड़ी में आपको बताएंगे आर वेंकट रमन की कहानी, जो 1982 में भी राष्ट्रपति बनने के एक दावेदार थे। आर वेंकट रमन जिन्होंने 3 प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलवाई। महामहिम के बारे में अपने ख्याल हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो लल्लन टॉप के पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।